नमस्कार मित्रों, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टेक्निकल बू। आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं टेक्निकल बू चैनल पे। तो फ्रेंड, एक तरफ से बहुत किसी को अभी मोबाइल का डिलीवरी नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ बात करें तो Xiaomi ने जो है अपना स्मार्टफोन का प्राइस फिर से बढ़ा दिया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब से GST रेट इंक्रीज हुआ था, ऑटोमेटिकली तभी सारे ही स्मार्टफोन के कंपनियाँ ने सारे ही फ़ोन का प्राइस बढ़ा दिया था, लेकिन Xiaomi ने जो है फिर से प्राइस बढ़ा दिया, मतलब कि दोबारा प्राइस बढ़ा दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Xiaomi जो है किस फोन में कितना प्राइस बढ़ाया है। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले है, कृपया आप लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखें। और फ्रेंड, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को भी शेयर करना ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, चलिए अब मैं आप लोग को बता देता हूँ रेडमी के किस फोन में कितना प्राइस बढ़ चुका है। तो सबसे पहले जिस फोन का प्राइस बढ़ा है उसका नाम है रेडमी 8 4GB और 64GB वाले वेरिएंट। तो फ्रेंड, जब इसका इंडिया में लॉन्च हुआ था तो इसका प्राइस रखा गया था 7,999। जब GST रेट इंक्रीज हुआ तो इसका प्राइस बढ़ के हो गया 8,999, मतलब 1,000 रुपये तभी बढ़ा था। फिर से इसका प्राइस बढ़ के हो गया दोस्तों 9,299, मतलब इस फोन का प्राइस अभी तक 1,300 रुपये बढ़ चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को अगला फोन के बारे में बता देता हूँ जिस फोन का प्राइस बढ़ चुका है अभी तक। तो फ्रेंड, अगला जो फोन आता है रेडमी की तरफ से आने वाला है रेडमी नोट 8 4GB 64GB वाले वेरिएंट की मैं बात करूं तो जब इसका इंडिया में लॉन्च डेट था तब इसका प्राइस रखा गया था 9,999। जब GST रेट इंक्रीज हुआ तो इस फोन का प्राइस इंक्रीज होके हो गया 10,999। फिर से इस फोन का प्राइस बढ़ा दिया गया है Xiaomi की तरफ से। अब इस फोन का प्राइस हो गया दोस्तों 11,499, मतलब इस फोन का भी अभी तक 1,500 रुपये प्राइस बढ़ चुका है। तो चलिए अब मैं अगले फोन के बारे में आप लोग को बता देता हूँ। अगला फोन में जिसका प्राइस बढ़ा है उसका नाम है रेडमी 8A 2GB और 32GB वाले वेरिएंट की मैं बात करूँ, जब इसका इंडिया में लॉन्च था तब इसका प्राइस रखा गया था 6,499। फिर इसका जब GST रेट बढ़ा तो इस फोन का प्राइस बढ़ के हो गया 6,999। अब इस फोन का फिर से प्राइस बढ़ के हो गया 7,299, मतलब इस फोन का भी अभी तक प्राइस 800 रुपीज बढ़ चुका है। इसी फोन के बारे में बात करूँ 3GB और 32GB वाले वेरियंट का दाम, जब इसका इंडिया में लॉन्च था इसका प्राइस रखा गया था 6,999। फिर इसका प्राइस बढ़ के हो गया, मतलब कि जब GST रेट इंक्रीज हुआ, 7,499। फिर से अब इस फोन का प्राइस इंक्रीज होके हो गया 7,999। तो इस फोन का भी प्राइस अभी तक 1,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। तो ऐसा Xiaomi ने क्यों किया, कोई रीज़न अभी तक वे लोग दिए नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अभी उनके पास स्टॉक नहीं हो तो इसीलिए वे लोग प्राइस बढ़ा दिए। ऐसा तीन ही फोन में वे लोग ने अभी प्राइस बढ़ा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस जिस फोन में Xiaomi ने प्राइस बढ़ाया है फिर से वे डिक्रीज प्राइस कर दे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये देख के कहीं दूसरे कंपनी भी अपने स्मार्ट फोन का प्राइस ना बढ़ा दे। तो दोस्तों, बस वीडियो में इतना ही था। और आप लोग को कोई भी मन में दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करें, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई दूंगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मैसेज करें, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, बस वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।